अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। इसके अंदर हम बात करेंगे कि गिग जो सी हमने बनानी है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल्स हमने ऐड करनी है, उसके अंदर हम ऑफर क्या करेंगे, प्राइसिंग कैसे करनी है, और फिर उसके बाद जो से वैल्यूज एक्स्ट्रा जो से मैंने ऑलरेडी बताए थे पिछली क्लास के अंदर, तो वो भी हम बात करेंगे कि वो किस तरह ऐड करते हैं, पैकेजेस किस तरह बनाते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द कंप्यूटर एंड लेट्स सी के हम गिग जो है वो किस तरह बना सकते हैं। तो आपने इधर मेरी तो काफ़ी ज़्यादा 6 gigs ऑलरेडी बनी हुई हैं। जब आपका न्यू अकाउंट होता तो आप 7 gigs जो सी हैं वो बना सकते हैं मैक्सिमम। तो मैंने 6 बनाई हुई हैं। 1 क्रिएट अ न्यू गिग, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला मेरे पास इंटरफेस आएगा जिधर गिग टाइटल है, कैटेगरी है, सेलेक्ट सब कैटेगरी, सर्च टैग्स, ये मैं आपको बताता हूँ। सो पहले हम बात करते हैं कि यार गिग टाइटल जो है वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह पता चलेगा और किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि गिग का टाइटल जो है वो किस तरह का रखा जाए। इसका एक आसान तरीका ये भी है कि आप फाइवर पे ही जाएं और उधर जिस चीज़ के रिलेटेड आपने बनानी है गिग उसी को ऊपर सर्च करें और देखें कि ऊपर जो उनसे सेलर्स आ रहे हैं उन्होंने अपना टाइटल किस तरीके से रखा हुआ है। इट इज़ रियली ईजी क्विक हैक जो कि आप यूज़ करके अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि जी फाइवर। तो ये देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ये ऑफर्स आ गई हैं जिन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। गिग इज़ बेसिकली द फेस जो कि एक बायर को नज़र आएगा, इट इज़ द फेस ऑफ योर बिजनेस कि आपने किस तरह उसका सेटअप किया हुआ है, किस तरह उसका फेस फाइन ट्यून किया हुआ है ताकि जब बायर देखेगा आपकी गिग जो सी उसका फेस देखेगा तो वो अट्रैक्ट होता है या नहीं होता, आपसे कॉन्टैक्ट करता है नहीं करता। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप जब गिग बनाएं तो ये चीज़ें ध्यान में रखें कि आपका जो सी गिग का फेस बनना है दैट शुड बी रियली गुड और उसको फाइन ट्यून करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखें कि हमारे पास ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं सेलर्स जिन्होंने ऑलरेडी ऑफर्स पोस्ट की हुई हैं। तो इधर मैं देखता हूँ कि यार टॉप के जो उनसे सेलर्स आ रहे हैं जिनका टॉप रेटेड ये है, लेवल टू है और ये देखें कि इसका स्टार्टिंग है इसकी अभी और ये टॉप फर्स्ट पेज के ऊपर शो हो रहा है। तो इसको इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं देखता हूँ टाइटल जो उनसे वो किस तरह लिखा हुआ है। तो मेक यू अ कूल लोगो एनिमेशन और इंट्रो, तो मैं भी इसी तरीके का कुछ लिखूँगा। मैं लिखूँगा कि आई विल make an a logo and intro animation. These are some of the keywords जो के आपके आपकी gig को rank करेंगे, like animation हो गया, intro हो गया, logo हो गया। तो ये वाले जो उनसे आपके words हैं These are the ranking words. ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ये आप लिखते हैं तो आपके गिग के टाइटल से ही आप रैंक हो जाते हैं। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आपका जो सा टाइटल है दैट शुड बी रियली कैची और इसके अंदर जो से हमने कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं SEO के मुताबिक हों। सो मूविंग ऑन, कैटेगरी जो सी है वो नीचे सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आप कैटेगरी किसके अंदर लेके जाना चाहते हैं। लाइक अगर वीडियो एनिमेशन जिस तरह मैंने लिखा है इंट्रो एनिमेशन, तो उसके लिए वीडियो एनिमेशन, उसके अंदर लोगो एनिमेशन है, वीडियो एनिमेशन इंट्रोज एंड आउट्रोज है क्योंकि मैंने इधर इंट्रो का भी वर्ड यूज़ किया है। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर लोगो डिज़ाइनिंग है, तो अभी हम लोगो डिज़ाइनिंग की देख रहे हैं। तो मैं लोगो डिज़ाइनिंग इधर भी क्लिक कर सकता हूँ या फिर इधर से जाके मैं इस जो सी मेन कैटेगरी है सेलेक्ट कैटेगरी इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ करूँगा और उसके बाद लोगो डिज़ाइन जो है उधर वो वाला चूज़ कर लूँगा। तो मेरी कैटेगरी जो सी है वो सिलेक्ट हो गई है। फिर उसके बाद आता है कि गिग मेटा डाटा, व्हाट इज़ दिस। इसके अंदर बेसिकली आप डिस्क्राइब करेंगे कि जो सी चीज़ आप उसको प्रोवाइड करने वाले हैं वो किस तरह की होगी। लाइक सिलेक्ट द स्टाइल ऑफ द लोगो यू डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन करते हैं, वर्ड स्टाइल डिज़ाइन करते हैं, रीटो, हैंड ड्रॉन, दीज ऑल दी आप कह लें कि सब कैटेगरीज हैं लोगो मेकिंग के अंदर। तो मैं इधर कह देता हूँ कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज़ ऑल डन।
मैं इधर लिख देता हूँ, मैं सिग्नेचर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि आपके जो उनसे सिग्नेचर्स होंगे मैं उसका लोगो एक बना के दूंगा। तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड मूव ऑन करता हूँ। ये आगे है हमारे पास फाइल फॉर्मेट। आप जो उनकी फाइल सबमिट करवाएंगे, जो आप फाइल बायर को देंगे वो किस फॉर्म के अंदर होगी, AI मतलब के अडोब इलस्ट्रेटर की फॉर्म में होगी, JPG में होगी, PDF में होगी, PNG में होगी, PST में होगी। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप AI एक कर लें, उसके बाद PNG कर लें और PST कर लें। दीज आर द थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, PST, PNG एंड AI। अगर उसको जो सी भी के अंदर से रिक्वायर्ड है वो वाली डिमांड कर लेगा। अगर नहीं करता तो आपने PNG, PST ये दो लाजमी देनी है। उसके बाद है कि सर्च टैग्स। सर्च टैग्स क्या होते हैं? सर्च टैग्स होते हैं कि आपकी जो सी गिग है, दिस इज़ बेसिकली कि ये वाले टैग्स अगर सर्च हों तो आपकी भी गिग ऊपर आए। सेकंड जो सी गिग जो सा मैं टैग यूज़ इधर करना चाहता हूँ, मैक्सिमम आप 5 टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 टैग्स जो से मैंने डन कर लिए। मूविंग ऑन, मैं इसको सेव एंड कॉन्टिन्यू करता हूँ। तो फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास कि हमने उसके अंदर जो सी प्राइसिंग करनी है। इधर हमारे पास 3 बेसिक प्लान्स होते हैं, वन इज़ बेसिक, वन इज़ स्टैंडर्ड एंड वन इज़ प्रीमियम। आप इनके नेम्स रख सकते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ कि पहला जो सा मेरा पैकेज होगा दैट कैन बी सिल्वर, इसका मैं गोल्ड कर दूँ और इसका मैं प्लैटिनियम कर दूँ। तो ये इस तरह मैं इनके नाम्स दे सकता हूँ। फिर उसके बाद आती है डिस्क्रिप्शन, कि आप इसके अंदर डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, कि आप कौन कौन सी चीज़ें इधर ऑफर कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जी अगर सिल्वर आप लेना है पैकेज आपने, तो आई विल डिज़ाइन 1 लोगो फॉर यू। सही है। उसके बाद बाकी जो सी डिटेल्स हैं वो भी नीचे हैं, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता, 1 लोगो डिज़ाइन, ये मैं तकरीबन 3 डेज के अंदर मैं डिलीवर करूँगा। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं आपको फाइल जो सी दूँगा, फॉर्मेट of file will be AI, PSD और PNG। तो ये वाली 3 फाइल्स, ये बेसिकली मैंने उसको बता दिया कि ये चीज़ें मैं ऑफर कर रहा हूँ। इधर मैं गोल्ड के अंदर कर देता हूँ कि मैं 2 लोगोस बना के आपको दूंगा। उसके बाद मैं इधर कह देता हूँ प्लैटिनियम के अंदर कि मैं आपको 3 लोगोस बना के दूंगा। उसके बाद है रिविजन्स, के मैं कितनी रिविजन्स लेता हूँ। फाइवर के ऊपर तो मैक्सिमम हर कोई अनलिमिटेड रिविजन्स लेता है, तो इट इज़ मच प्रेफर्ड के जाहिर सी बात है हम न्यू हैं अगर फाइवर के ऊपर, तो अगर हम कुछ एक्स्ट्रा देंगे तो डेफिनेटली तब ही हमारे पास बायर आएगा, अदरवाइज वो नहीं आने वाला। तो रिविजन्स जो सी हैं, आई प्रेफर के आप स्टार्ट के अंदर अनलिमिटेड रखें इन ऑल ऑफ दीज 3 पैकेजेस, ताकि बायर को थोड़ा सा हो के जी रिविजन्स जो सी हैं वो अनलिमिटेड है। अच्छा, उसके बाद है कि जी सोर्स फाइल। सोर्स फाइल के आप क्या उसको प्रोवाइड करेंगे सोर्स फाइल, लाइक PST फाइल। आप अगर फोटोशॉप में बनाया तो उसकी सोर्स फाइल PST होगी, तो आप उसके अंदर आपको आप वो देंगे या नहीं देंगे। मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है कि मैं दूँगा, तो इस वजह से मैं इधर भी उसको कह देता हूँ यस मैं सोर्स फाइल दूंगा आपको। तो मैं ये बॉक्सेस जो उनसे हैं वो चेक कर देता हूँ। फिर उसके बाद है प्राइस। प्राइस एट द स्टार्ट आई रियली रिकमेंड कि आप, क्योंकि मार्केट के अंदर रेट्स जो उनसे चल रहे हैं एट द स्टार्ट, पहला जो उनका पैकेज है उसके दैट इज़ द $5, और मैं भी इधर यही करता हूँ कि मैं $5 इधर सिल्वर के लिए लिख देता हूँ। जो सा हमारे पास गोल्ड वाला है पैकेज उसके मैं $10 लिख देता हूँ, और जो सा प्लैटिनियम है उसके मैं $20 लिख देता हूँ। सो ये मैंने प्राइसिंग कर लिए। अब आती है डिस्क्रिप्शन की बात। डिस्क्रिप्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँगा कि उसका इंटरेस्ट जो सा है बायर का, वो किस तरह मेंटेन रखना है, उसको कैसे कंटिन्यू रखना है, और फिर उसके बाद कॉल टू एक्शन करके कन्वर्ट करें इनटू आर बायर।
तो वो सारा कुछ इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि डिस्क्रिप्शन जो सी हमने लिखनी है वो किस तरह की होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।